Perkash. ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਾਕਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ 55 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। 55 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਫੋਨ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਸੁਰੱਈਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਚ ਵਿਛੜ ਗਈ ਸੀ। 55 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੁਰੱਈਆ, 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 ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਖਬਰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੂਨ ਜੋਗੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਜੀਆ ਜੰਤ? ਨਹੀਂ, ਜੀਆ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰੱਈਆ? ਬਸ ਬਸ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਹੇਲੀਏ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਆ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Yeah!
सुरैया सुरैया पाया जी ए मेरे बचपन की सहेली है सुरैया सब कमरे ठीक कर लिए हैं जी? मियां जी हाँ, ऊपर वाले भी जाकर ठीक कर दो। वो भी ठीक कर लिए हैं जी। हाँ सलीम, इधर आओ। जी साहब जी। तुम चले जाओ शेख साहब की तरफ, उनको बताओ कि बड़े खास मेहमान आ रहे हैं, रात दाल सब्जी तो घर में बन जाएगी, बारबेक्यू उनका होगा। अच्छा जाओ फटाफट। शहबाज, कोई अच्छा फैसला नहीं किया सुरैया ने और तुमने। शहर में इतने बड़े बड़े होटल हैं, किसी ना किसी में ठहरा देते उनको, या फिर ननकाना साहब में ही मिलकर खुदा हाफिज कह देती सुरैया उनको। बचपन की सहेली है उसकी, 56 साल के बाद मिली है, मैंने खुद उन्हें सबको घर पे लाने के लिए कहा है। ये है पाया जी। अच्छा। सरदार सुखबीर सिंह प्रकाश के बड़े भाई। और ये है प्रकाश जी, मेरी बचपन की सहेली। और पाया जी, ये है शहबाज, मेरे मियां। खुश आमदे सरदार जी। सलाम आखना, सलाम आखना भरा जी। एक कुड़ी सुरैया मेरा सारा जिया जंत चक के ना ते जबरदस्ती थवाडे घर ले आई। ये आपका अपना घर है सरदार जी, दिल को बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। परा जी, अब मैं इन सब का आपसे परिचय कराती हूँ। बहन जी शर्माओ ना, ते खुल के पंजाबी जी गल करो, असि पंजाबी बोल भी लेने ते समझ भी लेने, असि भी ते पंजाबी। चंगा चंगा, सोनी गल है। ऐ ने जी मेरे पति सरदार सुरबीर सिंह। सलाम आपला। वालेकुम सलाम। ते ऐ मेरा जवाई है बलवंत सिंह। सत श्री अकाल। ते ऐ दी पत्नी ते मेरी दी सुरेंद्र कौर। पैरे पैनी है जी। ओ घबराओ ना जी, ए कहंदी आ पैंदी नहीं, वैसे पाणिया ए दी ता ए भरा है जी मेरा। ओ मुड़ क्या। बस बस जी ठीक है। प्रीतम इधर आ, तू ही आ मरीदा, दोवें आ। ए दोवें धीआं ने इन्हां दीआं, ए प्रीतम ते अमरीता। सत श्री अकाल जी। सलाम आखनिया सब। कलदीप उरे आ, उरे आ, उरे आ। पाजी ऐ जे महिंदर सिंह, ऐ दी पत्नी है कलदीप कौर। काके काके इधर आ। आजा भी आजा। ऐ इन्ना दा पुत्र है अजीत सिंह। सत श्री अकाल। ता पाजी आ दो महीना मलेशिया तो आए ने, आ वा रजिंदर सिंह, आ कल्याण सिंह, आ रजिंदर सिंह बलवंत सिंह दा भतीजा वा। भतीजे तो वध पुत्रा मेरा। असल परिचय तो तुसी कराया ही नहीं। ए राजेंद्र आ प्रीतम दा मंगेतर जी।
ते मैं जी जग मोहन सिंह इधर आ भूत नहीं दिया आ जेड़ा लटका आ मेरा पुत्रा परेशान सिंह जो ये जमया तो एदी मां शर्म नाल उसे वेले मर गई साडे घर च एक लीर जी पई सी मेरी समझ ना आवे कुड़ी आ मुंडा की आ मैं निमक लै के उत्ते धुरिया ते नहीं होश पड़िया तेरा बेड़ा तर जाए मैनू उदो पता लगा कि साडे घर च ते आ हो गया जगमोहन जी मखौले वाली आदत आ माइंड ना करना भरा जी ओ माइंड होऊगा तो माइंड करूंगा ना मुझे खुला छोड़े फिर रीछ और कुत्ते की लड़ाई देखो ये मेरे बचेन का तारुफ मैं करूं जी डड्डू हम अपना तारुफ खुद करवाएंगे जी मेरा नाम नदीम है और मुझे प्यार से अनेरा कहते हैं और मैं अनली पा देना वहां मेरा नाम करीम है प्यार से मुझे सवेरा कहते हैं मैं दिन चार दिन और हमें मौसीकी का बहुत शौक है अर्ज किया है और नवाले आंदे पड़े पराठे के छड़े या दिया के ना बने ये गाना नहीं हमारे घरेलू हालात हैं अच्छा खुशिया अभी सारे कमरे खोलो ये लोग मुंह हाथ धोएंगे आराम करेंगे बात की रौनक खाने पर होगी आज आज शाम चलो ऊंड कोठे उतो कामावे आए ऊंड कोठे उतो कामावे आए ऊंड कोठे उतो तू उठे ते मैं ना वावे है करा मैं नजारा जे तो तेरी तस्वीर दा पैंदा है पुलेता मैनू तेरी हमशीरी करा मैं नजारा देखो ऐसे तबला बजा रहे हैं जैसे किसी कबल की बात कर रहे मैंने इजाजत दी है मेहमानों की खुशी के लिए छोड़ो मुझे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा बैठिए प्लीज आप भी एंजॉय कीजिए मेहमानों का ख्याल रखिए गुस्सा थूक दीजिए प्लीज डड्डू आपने तो तेजाब फेंक दिया कैरी ऑन कैरी ऑन बड़ी लंबी चोटी आपकी चोटी क्या कुत बोलो हाँ वही कुत बच के बाऊजी सरदारनी दी कुत्ते डंग भी मारती है अच्छा जी मैं ते समझा सा सिर्फ अखा ही डंग मार दिया ने ते तुहानु बाऊजी डंग बजे हुण ते सिर भी चढ़ गया जनाब चकली तो बड़ा मासूम दिसता है पर बिच्चों बड़ा मुंडा करा रहा है प्रीतम कंकी पता जो तो बिल्ले से ले आंदी है हवा ते उत्ते कोई रोंदा होवेगा ओ मेरी मां जी कोई ले गया नसा ते उत्ते हुण चोंदा होवेगा तू एहो जी लूज करैक्टर मज रखी क्यों है ओ दूध नहीं सी देंदी सरदारा ऊंचे सरू पे बैठ के बुलबुल ने ये कहा क्या ठंड लगदी वे मेनू ठंड लगदी वे मेनू ठंड लगदी ला विच कबर ससी दी आई कबर फटी विचों आवाज आएगी एक डबल पैक होर बड़ा हायो रब्बा नहीं लगदा जी कल सुन अतरा सजना बा ओए अजीत अमीर चटका है या हलाल है तो उन्हें आप की ता चटका ते बाकी कम एना की ता कारा ले ने वो खुल के खाओ अपने तरीके दा मीटे आ खुशिया पहले मेहमानों को प्लेट दे दो
क्या बात है, लाओ मुझे दो, पहले मैं दो दो दो, ये क्या कर रहे हो, ये भी दो, तो तुम ले लो पहले, तुम ये थैंक यू। सलाम बड़ी अम्मा, ससेकल आंटी, ससेकल आंटी जी, जिंदा रहो, ससेकल, ससेकल, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? जी वो पट्टी करा के ऑफिस चले गए। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कह रहे थे कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। बेटा, जले हुए हाथों पे पट्टी नहीं किया करते। आंटी, जख्मी ऐसा था, पट्टी कराना जरूरी हो गया था। इधर आ पुत्र, मेरे को प्यार ले। मैं की करांगी, असी ते बड़ा माहौल बनाया सी उनु। ओ की कहेगा मैनू, मैं की कहांगी उनु। हाय हाय, सिद्धा साडे वल ही आ रहा है। प्रीतम, ए की होया? एते कोलों लंगे? आहो, लंगे। ओ पियो, ओ प्रीतो, ओ या मुंडे किदे पया के पाकिस्तानी फिल्म देखनिया शान दी। ता मैं ता शान दी फिल्म आउंदे आई पहला वेख ले सी। और तुसी ये दसो, के तुसी साडे नाल जाना या इत्थे हवेली च रहना? सरदार जी, ओ सरदार जी, ये तो देखनी है ना फिल्म, तो सरदार जी ऐसी फिल्म लगी है जेड़ी ऐसी तू कहना है ना, मैं कुड़िया नु नाल ले जा के नहीं देख सकता, किसे वेले कल्ला ही लाए खड़ी। महाराज, मैनू एक गल ता दसो, ए तुहाडी चीख निकलदी कित्थों है? जित्थों सारिआं दी निकलदी आ। Excuse me. हाँ प्रीतम, तेरा की प्रोग्राम है? भाई जिन्हें ड्रामा देखना है ड्रामा देखे, जिन्हें फिल्म देखनी है फिल्म देखे, असी ते अनारकली ते रंग महल देखना है, असी ते लाहौर देखना है। हला हला, ते तुसी एथे बैठे हो जी?
मैं क्या जी ओद रुसी बैठी है। कौन? प्रीतम जी तुसी ते सब कुछ भूली बैठे हो ते कल आ गया ओदा जन्मदिन। तुसी ओनू वचन नहीं सी दिता के पाकिस्तान जाके सब तो वड्डे होटल विच ओदा जन्मदिन मनावांगे। ओ वचन दिता सी ते वचन निभावांगे। चलो तुम सारे आ जाओ केक कटाइए। दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के एक लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के एक लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के कुछ निम्मा निम्मा हंस के कुछ मीठा मीठा बोल के एक लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के एक लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के एक लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के कुछ निम्मा निम्मा लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण खोल के एक लड़की पंजाबड़ दिल ला गई मेरे दिल दा टक्कण
ਦੋਨ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬਣ बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है, बताना किसने दिया। बताना किसने दिया, जिसने भी दिया सोचो में डाल दिया, एक खौफ बनकर दिल में बैठ गया। प्रीता, 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 प्रीता ना क्या? प्रीता! क्या हुआ? बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब ख्वाब होते हैं, सोचा। मुझे डर है कहीं ये ख्वाब सच ना हो जाए। मैं ये ब्रेसलेट वापस कर दूंगी। ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਾਊਦ ਬੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਦਾਊਦ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਖੂਸੂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਬਾਪੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਬੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ? ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਵੰਜਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਚੁਬਾਰੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਉਂਝੀ ਆ ਬਈ, ਚੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝੀ ਆ,
आजबो अंदर आजबो तू भी चुप आए सरदार जी जदन वेख लव्या है ना तो मुड़ हवेली आ बन जाए मैं तो सारे इंतजाम किया है मुड़ रब राखा रब राखा कितनी चंगी हवेली आ मेरा ब्रेसलेट कहाँ है तुम्हारा ब्रेसलेट गुमाया नहीं संभाल के रखा है तुम्हें वापस करने के लिए क्यों मुझे नहीं चाहिए गल्ला बहुत कर दी है हम भी कर रही हैं जब जी साहब अकबर पिता बारिश आने वाली है आजा आजा जल्दी आ आजा छेती आजा मेरी मुट्ठी में मेरे प्यार की निशानी ब्रेसलेट तुम्हारी चाहत के इंतजार में है क्यों परेशान करते हो खुद को भी और मुझे भी जाने दो याद रखो प्रीतम तुम अगर मुझे ठुकरा के चली गई तो मैं मर जाऊंगा सब झूठ कोई किसी के लिए नहीं मरता मैं सच कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा सभी कहते हैं लेकिन
लेकिन मैंने पहली बार किसी को कहा है। और मैं आखिरी बार कहती हूँ, तुम और मैं कभी नहीं मिल सकते। इसको हटाओ, मुझे जाना है। यही तो मैं चाहता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो इस जिंदगी को डस लेंगे जहरीला सांप। दीवाने हो गए हो तुम। थैंक गॉड तुमने पहचाना। तो मैं जा रही हूं। जाओ मगर ये जानकर कि मुझसे अगर 10 कदम भी दूर जाओगी तो ये सांप मेरी मौत बन जाएगा। मैं तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ नहीं बन सकती। प्रीतो! शामिल को सामने डस ली। शामिल को सामने डस ली। हाँ। अल्लाह। क्या करें यहाँ? जाओ जाओ जाके डॉक्टर को बुलाओ। भैया, ओ बार तो मौसम खराब है। अस्पताल की छह आसानों की पता आती पता। ओ भैया जी डालू छटो। ओ तुझे आप करो। सुनिया, चुप कर जाओ। ओ तुझी तो पीछे हट जाओ। सब ठीक हो जाओ। फिक्र ना करो, पिछे हट जाओ। सानू दो हाथ कुछ करने छोड़ दे। सब ठीक हो जाओ सरदार जी। सारे चले जाओ, वो पीछे हट जाओ। वो पीछे हट जाओ, ठीक हो जाओ। चले जाओ, चले जाओ। भाइये जी मुट्ठी नहीं खुल रही। ये मुट्ठी नहीं खुलूगी जे ता ये बच गया, इनू होश आ गया ता मुट्ठी खुल जाओ, नहीं ता ये बंद मुट्ठी नाल ही कब्र मां जाओ। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निर्वैर Thank you.
काला दिल माही वे राता आ गईया चांदनिया जानता, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। जानती हूँ। कैसे जानती हो? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने गौर नहीं किया था। अब गौर कर लिया ना? अब गौर क्या करना शाम, मैं तो फना फिल्लाई हो गई। सवेर हो गई, मैं चलती हूँ। मलेशिया तो तेरे लिए इत्थे आए ते तू कहंदी आ साडा इत्थे कुछ भी नहीं आ। तू छाती ना लग, तेनू आप समझ लग जाओ। कुछ ते शर्म कर, जिन्हां दे असीं मेहमान आ ओह की सोचणगे। ओए मुसले टेकी दे साडे की लगदे आ, तू छड इधर आ।
मेरी छाती का सवार चक। लड़की पे हाथ उठाना, कहां की मर्दान की? लड़की भी हमारी आ, मामला भी हमारा, और तू सॉरी दा लड़की का मामा लगता। तुम अभी नशे में हो, हमारे मेहमान हो, सुबह बात करेंगे। ओए अभी बात, सुबह बात करेंगे। और मैं कहता हूँ अभी बात होगी, और कौन मैनू समझाऊ केड़ा। ओए सॉरी दा, सॉरी दिए। मुलाकातें कुछ ज्यादा ही लंबियां हो गईं प्रीत में। तू सुती मरी नहीं? तेरी ते चांदनियां रातां ठंडियां हो गईं प्रीत में, साडा की बनू? तेरा ते पता नहीं, पर सवेरे ऐस रजिंदर दा मक्खू जरूर ठप्पू मैं। ओ बस फड़ लिया हाथ, पर किसे गैर दा हाथ नहीं फड़िया, ओदा हाथ फड़िया जेड़ा तुसी सारे ने मिल के मेरे हाथ च दित्ता। ए तो ठीक है पुत्र, अब मेरे वल वेख। इज्जतां शर्मा वाले अपनी पत्नी दा हाथ गैरां दे सामने नहीं फड़दे, ते तू ओ गैरां दे सामने तो फड़ीदा, ताकि सब नु पता लग जाए कि आ मेरी आ। चक के ले जावा भावे फड़के, गोदी च पा लवा, किसे दी जरूरत आ जड़ा मैनू टके। ओए मुंडिया, बेतमहारी सिर्फ मेरी तिया, जदो तेरे नाल टुरू, जदो तेरे करावे ओदो गल करी, हाली तेरा कोई हक नहीं। जे ज्यादा अड़ी बखाएगा तेरा रिश्ता गुरु दिसाओ दो चरण तो पहले ही बका छोड़ू। ऐवी निक्की जी गल दा गालड़ बना छड़िया। ओए रजिंदर सिंह, ओए ख्याल करिया करो, असी इथे मेहमान आ, असी इथे चंगियां गल्लां ते चंगियां यादां छड़ के जाना। क्या सोच रहे हो प्रीतम? जो तुम नहीं सोचते। दो दिन बाद हम यहां से वापस जा रहे लाहौर, और फिर वहां से उसी रात चंडीगढ़, और उसके बाद जानती हो उसके बाद क्या हो? प्यार दीमक बनकर हम दोनों को चाटता रहे। हम जी रहे होंगे लेकिन खोखले इंसानों की तरह। मैंने कहा था प्यार की ये जंजीर वापस रख लो, मत शुरू करो ये सब प्यार प्रेम मोहब्बत। क्या हुआ? रजिंदर ने देख लिया है, वो पहले ही लड़ाई के बहाने ढूंढ रहा है, वो तुमसे लड़ना चाहता है। तुम इधर जाओ, मैं उधर से जाती हूँ। जाओ जाओ ना।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਉਸੇ ਅਭੀ। ਓਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ? ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਦੱਸਣਾ। ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ? ਸੋਹਣਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਦੱਸਣਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਾਲੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੁਰੀਆ ਪਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਬਸ ਬਸ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗੀ ਆਪੇ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਲੱਸੀ ਬਣਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਨਸੀਬ ਖਾਨ, ਤੁਮਨੇ ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ? ਵੋ ਤੋ ਫਟ ਗਿਆ ਥਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਦੁਪੱਟੇ ਥੇ, ਏਕ ਮੈਨੇ ਸਹੇਲੀ ਕੇ ਲਈ ਲਿਆ ਥਾ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਸੇ ਵੋ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਥਾ ਰਜਿੰਦਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਕੀ? ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਬਸ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਣ ਡਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵਾ, ਐਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੀਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੜਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਲੋ ਸ਼ਾਮਲਾ, ਸਭ ਮੁਝੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਰਹੂੰ। ਸਭ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਵਸੀ ਰਹੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਮੇਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਡੋਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲਾ ਸ਼ਾਮਲਾ। ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਛੋੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ।
मुसला सिख की दा हाथ फड़ सकता है ते सिख मुसली दा हाथ क्यों नहीं फड़ सकता प्रीतम ने जिंदे तो चिढ़ के मेरे मुंह ते चपेड़ मारी ए उंदी भैण है एनु सीने ना लाके ए उंदे मुंह ते चपेड़ मारनी है की होया अजीत ने किरण का हाथ उठा लिया अजीत अजीत मैं तेरा हाथी बटता जिद नाल तू इन्हां दी कुड़ी नूं फड़िया जिहड़े साडे पैरां थले अपनियां तलियां दित्तियां ने पाल ते तू नफरत का तैर भी चढ़िया बापू मर गया तेरा बापू जी गैरत बंदिया तब जाए थे मैनू अपनी शक्ल ना बखाई शक्ल ना बखाई चलती है चल ये क्या हुआ ये खून आ गया ये खून कितना आ गया अब तू ही चुप करो और पता ना लग दे क्यों होया मियां जी ये हाथ मेरे पुत अजीत सिंह का हाथ है ये हाथ थोड़े कदम विच रख के क्षमा मांगता माफ कर दियो मियां जी मेरे पुत का यह हाथ थोड़ी धी राणी की इज्जत वल वधिया सीगा मैं वध दिता ओए बापू तू ते मेरा हाथ फट दिता है हुण उस मुसले दा भी हाथ फट जिंदे हाथ विच मैं प्रीतम दा हाथ वेख्या मैं उहदा हाथ वेखी सौ गुरु दी मैं उहदे टोटे कर देंगा जिनने मेरे तीन हाथ फड़िया बापू टोटे करन तो पहला मैनू वड़ दे श्यामले ने मेरे नाल अजीत वांगू कोई जबरदस्ती नहीं की प्रेम किया है तेरे नालों बहुता प्रेम मैं करनी है तेरे मसले इस तरह नहीं निपटाए जाते तब भेड़ की तरह निपटाने आ सुन अब भाई ये एक सिख एक मुस्लिम की इज्जत की खातर अपने पुत्र का हाथ बढ़ सकता तब अपनी इज्जत की खातर
उस मुसले का हाथ भी बन सकता। मैं खुद काटूंगा उसका हाथ। अगर वो कसूरवार है उसे सजा मिलेगी। कसूरवार है या नहीं, असी उसका हाथ बटना। अरे मैं प्लीज जो बोले सोनिया। कोई ना के पत्ते नहीं तो गोलियां मार मार के हिच्छा निकल छोड़े सा। होश च करो सरदार, प्यार दा जवाब जोश नाल नहीं होश नाल दबिंदा है। जब तुसी होश च ना आए ते कड़ाई साडा खून जोश ना मार बन जाए। जे साडे खून ने जोश मार दिता ता वन हाणा वैसी हर ओए असी नहीं उठना छा मारन दे अपने खून नु जोश। ओए मूर्खा जोश नाल होश उड़वाइंदे ने। जे होश उड़वाइ जान ता हर शाय फना फिलना होवेंदी है। ओए भेड़ियो मोहब्बत नाल चा साडा कलेजा कट के ले वंजो ते काई गल नहीं। पिया किदाई 1947 वांगू ताड़ियां डब्बा चो करपाना तलवारा कुहाड़ियां ता बलमा निकलाया ता हर शाय दबाव बर्बाद हो वैसी। पर मैं सैयद दे नाते नाल तुहान वड्डे दा वास्ता चा खेना ते तुहान सैयद दाऊद बंदगी दा वास्ता ने ते तुहान आई गुरु नानक दा वास्ता ने। और भैणिया तुहान मुहम्मद पाक दा वास्ता ने। आज में हिंदुस्तान तो पाकिस्तान तुसी हसदियां खेड़दियां आया है। इनके बाल चाल डुकन मिट्टी तक खेड़ते रहते हैं। आए सरदारा इन्होंने तो वापस ले वन। तुसी तुसी गुस्से से लाओ। मैं इन्हां नाल गल करदा वा। ओए ओए तुहानू गुरु दा वास्ता कोई ना बोले, तुहानू गुरु दी धरती दा वास्ता कोई ना बोले। भाईया जी भैया जी ये तो निकलन वाली गल करो। चंडीगढ़ पहुंच के कुड़ी दे टोटे टोटे कर देना। ए तो निकलो ना, अपने आप नु मुश्किल च पाओ ना सज्जना नु मुश्किल च पाओ। बस अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। सुरैया सारे सुन लो। आज जिथे भी मेरे सामने आई मैं इस कलाणी नु सौ गुरु दी वट देना ही वट देना ही वट देना ही वट देना ही। ओए ओए शांत हो जा।
शांत हो जा। क्यों रो रो के अपनी जान हलकान पे कर? पाकिस्तान फोन कर ले, नंबर तो याद ही ना। नंबर तो नीता ही नहीं, आप उताब ही पै गई सी। कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं सी अक चपक दे जी दुनिया बदल जाओ, बीच भी छोड़े पै जाओ। पड़ी अम्मा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जुदाई के जिस जख्म को आप भरना चाहती थी वो और गहरा हो गया। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। पड़ी अम्मा, आप मुझे चंडीगढ़ का नंबर देंगी? क्यों प्रीतम, प्रीतम से बात करना है। वो मुझे नहीं भूलती। बढ़िया माँ, प्लीज मैंने उससे बात करना है, प्लीज। हेलो देवी जी, पाकिस्तान तो फोन है। हेलो हेलो प्रीतम, मैं शामिल। शामिल तू जा, जा किसी नु दसी ना। शामिल मैंने कहा था कालिया राता चुताई बिछोड़े मत सेड़ो, तू आंख से दूर सरहदों से दूर, मैं क्या करूं श्यामला क्या करूं? तुम्हें और मुझे मिलना है प्रीतम, हमारा प्यार अमर है, हम एक दूसरे की नजरों से दूर लेकिन एक दूसरे के दिलों में मौजूद है। मैं आऊंगा तेरे पास, आऊंगा मैं श्यामला। तुमने नहीं आना इधर, इधर इधर सब तुम्हारी जान के दुश्मन है और मुझे भी कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, सब सब मुझसे नफरत करते और पता नहीं कब पापा मुझे भी मार डाले और मैंने भी। इज्जत का ख्याल ना धर्म का ख्याल इस तो पहला कि तेरे बाप का
ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਉ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਹੈਲੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾ? ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ? ਹੈਲੋ ਨਾਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਸੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭਜਵਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਸਮਾਨ ਬੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡੇ ਪੁੱਤ, ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਾਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਬਸ ਕਰ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਕੰਬਲੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੁੜੀਏ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਊ। ਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਆਹ
ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਚਾਚਾ। ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ। ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਆਜੋ ਆਜੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਆਓ। ਲੈ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਰੀਚੰਦ ਦੋਸਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੱਗ ਡਿੱਗੂ ਡਿੱਗੂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਾਂਜੇ ਆ, ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਛਿਛੁੰਦਰ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਬਈ? ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕੀ ਬੋਲਾਈ ਆ ਪਿੱਛੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ? ਬਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਫੋਨ ਤੋ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇ ਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲਾ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਸਕਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਮੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਕਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚੱਲ ਲਿਖ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਲਿਖ ਲਿਖ 6022 9 7 4 1 7। ਐ ਕੁੜੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਫੋਨ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੇਲੀ ਆ ਜੀ, ਸੇਲੀ ਸੇਲੀ ਜੀ। ਆਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿਖ 4 6 4 7 4 6, ਜਲਦੀ ਲਿਖ, ਚੱਲ ਰੱਖ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਬੈਠ। ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਬੋਲ। ਓਏ ਕੰਮ ਨੀ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਐਵੇਂ ਮਾਂ ਪਾਰੂ ਉਦਾਸ ਆ। ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਸ਼ਾਬ, ਮੈਨੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹਾ। ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਪੀਛੇ? ਹਾਂ, ਯੇ ਗਲਤੀ ਨਾ, ਯੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਬਗੈਰ ਮੁਝੇ ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀਣੀ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮੇ।
साल में। ओए कदी साढ़े नल भी हंस के गल कर लिया कर प्रीत में। ओए एक मिनट एक मिनट। ओए तेरी बर्थडे दा गिफ्ट उधार सीगा सी मेरे ते। जाने की इजाजत मैंने दी है उसे। क्यों किया ऐसा आपने? सोचा क्यों नहीं वो बच्चा है, वो वहां मुश्किल में भी फंस सकता है। मैं क्या करती, क्या करती मैं? मैंने तो उसे बहुत समझाया। जब समझाने से ना माने अगला दीवाना बेकल मन, जब समझाने से ना माने अगला दीवाना बेकल मन, कुछ इसको चाहत समझो, कुछ इसको चाहत समझो, कुछ प्यार का पागलपन, कुछ प्यार का पागलपन। आँखों में बसे जो हंसी ख्वाब हो, लब कुछ कहने को बेताब हो, आँखों में बसे जो हंसी ख्वाब हो, लब कुछ कहने को बेताब हो, दिल जो किसी मुश्किल में हो, कह दो जो भी दिल में हो, उड़ने लगे आँखों से नींदे, बढ़ने लगे दिल की धड़कन, उड़ने लगे आँखों से नींदे, बढ़ने लगे दिल की धड़कन, कुछ इसको चाहत समझो, कुछ प्यार का पागलपन, कुछ प्यार का पागलपन। तुमको प्यार करना पड़े, हाँ दीवानगी जो हद से बढ़े,
तुमको प्यार करना पड़े। इस हाल में दिल फिर क्या करे, जब प्यार में यूं मुश्किल पड़े। कोई न चाहे और हो जाए, आँखों से आँखों का मिलन। जब समझाने से ना माने, पगला दीवाना बेकल मन। जब समझाने से ना माने, पगला दीवाना बेकल मन। कुछ इसको चाहत समझो, कुछ प्यार का पागलपन। क्या मसला है? शिवो, वो लड़का मेरा बैग छीनने चला गया। मेरा पासपोर्ट, मेरा सारा सामान, मेरे पैसे सारे उसी में थे। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज, आप किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। प्लीज, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। प्लीज। फिक्र मत करो, तुम्हारा बैग मिल जाएगा। कहां से आए हो? जी, पाकिस्तान से। पाकिस्तान? ओ देरख, पाकिस्तान पिशावर पठान। लड़चे पे खबर तक मिस्तूर माला रावड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माला रावड़ा। आज भी मेरा नाम वो आ गया तुम्हारा चोर। सॉरी आदमी भाई, सॉरी। देख क्या तुम्हारा कर, देख ले, सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठहरे हो भाई? जी कहीं भी नहीं। तो कोई तो जगह होगी? फुटपाथ और रोड। हाय, हाँ भाई, बहुत सोया है। हाँ। फरीद ने तुम्हारा लव स्टोरी सुनाया है, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बस रात को इसके साथ प्रीतम की बातें करते करते सो गया। तू नहीं सोया, साली नींद की गोली ने सुलाया। ए सुनो भाई, इस पूरे खेल में जहाँ कहीं भी तुम आज भी भाई का नाम लेगा ना, हर मुश्किल आसान होने का, इस बात को अपनी खोपड़ी में डाल लेना। तुम चाहे जिस पर हाथ डालो, गिरेबान पर, शहरक पर,
सारा मुश्किल आसान हो जाएगा। नहीं अजमी भाई, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे तो बस प्रीतम से मिलना है। फोन दे टल्ली बजी नहीं थे, कुड़ी नहीं ने। हेलो जी, कौन है आप? हाँ मैं शामिल। आशा, आशा जी। टूट पड़े शामिल हो, तो किथे आप? मैं मलेशिया आ गया हूँ, पर वो जो तुमने नंबर दिया था वो मेरे को गलती हो गई है। मैं टूट पैने ने तेनु जल्दी जल्दी गलत नंबर दे दिता, हूं तू जल्दी जल्दी सही नंबर लिख ले। हाँ प्रीतम, प्रीतम तेरा सोनिया मेरा हेलो हेलो प्रीतम 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 मैं आ गया हूँ। शामिला मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें मिलना चाहता हूँ प्रीतम। नहीं शामिला हमारे नसीबों में मिलना नहीं। नसीबों को दोष मत दो, एक कदम आगे बढ़ो नसीब खुद बदल जाएंगे। शामिला अगर कल तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो बोटैनिकल गार्डन में एक लाश मिलेगी तुम्हें, मेरी लाश, मेरी लाश। तेरी हूँ अब तो, मुझ पे प्यार आ गया,
राधा प्रीतम, तुम रोने क्यों लगी? तुम सामने क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई। मैंने तो अपनी जिंदगी की हर खुशी के दरवाजे को बंद कर दिया, ये सोच लिया कि जिस जिंदगी में तुम नहीं, वो जिंदगी अब पहुंच के बाद गुजारना होगा मुझे। तुम जिंदगी गुजारने की बात करती हो, मुझे तो वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम नहीं। ऐसी बातें मत करो श्यामला, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे बगैर गुजारना, संवारना और बनाना है। शायद शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। नहीं हाँ श्यामला, सुनो टॉस करें। कैसा टॉस? अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसका फैसला ही आखिरी फैसला होता है, मानती हो?
मांगो, क्या मांगती हो? श्यामला, ये सब नहीं, नहीं प्रीतम, फैसला अल्लाह की रजा करेगी, तुम या मैं नहीं, मांगो, हेड या टेल? मांगो। जीत गया प्रीतम, मैं जीत गया। अब तुम्हें खुदा की रजा को मानना है प्रीतम। अब तुम्हें सब कुछ भूलकर मेरे मजहब और मेरी जिंदगी में आना है। हाँ, मेरी जिंदगी में आना है। कल मैं तुम्हारा ग्रीन मस्जिद में इंतजार करूंगा, जहां जहां तुम कलमा पढ़ोगी और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे प्रीतम। काका खैर यार, चुप कर जाओ हरिचंद, ये सच आ ते सच नू रंगे हाथों फड़ना। बेशक मैनू वट सुटो पर मैं वापस नहीं मुड़ना, मैं मस्जिद दियां पौड़ियां चढ़नियां, ए मेरे दिल ते आत्मा दा फैसला। ओ तेरी आत्मा भी रोल दड़िया सा पर अपने धर्म ते लाज नहीं लगन देनी। इनू बालों तो फड़ के कसरीदा होया ले चल। रत मुका
ਦੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਰਤ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਐਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਐਸ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਗੋੜਾ ਸੱਚ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੇਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਕਮਾਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਕਮਾਏ ਸੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖੜੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਧੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਬਾਪੂ 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 ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖੂ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਟੱਕੂ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ
राजित राव। قتل کر دو اس لڑکی اور لڑکے کو، سکھ مسلم لڑائی کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہوتا پل بھر نہ ہوتا۔
मजा था जीने की तुम हो वजह बन गया साजन तुम मुझको मिला गर न होता साजन तुम मुझको मिला गर न होता जाता कहाँ जो तेरा गर न होता तुझे पाके मुझको सुकून जो मिला है दुनिया ये सारी भी पाकर न होता अगर तेरी आंखों में काजल न हो चल न होता आओ कौन है भाई आप लोग ये रजेंद्र का दोस्त है हरिचंद बजाहर दोस्त है लेकिन अंदर से तो हम दुश्मन ही हैं मुसलमानों के भी और सिंहों के भी मुसलमान अलग हो गए सिंह अलग होना चाहते हैं 56 साल पहले तो एक कड़वा घूम पी लिया दूसरा नहीं पिएंगे इसलिए कमजोर रखे थे सिखों को मुसलमानों के साथ मिलकर ताकतवर नहीं होने देंगे ये हमारा ही प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान लड़के सिंह लड़कियों को बरगला रहे हैं उनको बेधर्म कर रहे हैं इसका सबूत होगा तुम दोनों की मौत यानी स्टोरी ये बनी कि तुमने सिंगों की लड़की को बरगलाया और सिंगों ने तुम्हें मार दिया और अपनी लड़की को भी मार दिया बस फसाद और नफरत शुरू मार दो इन दोनों को कोई भी बच के ना जाए ना बच्चों दे दे नल मैं आप गल करूं हरिचंद मैं आज तू साबित कीता के हिंदू कदी भी सिख का दोस्त नहीं हो सकता मेरी बात सुनो राजेंद्र भाई नहीं ना भाई ना दोस्त कुछ भी नहीं पता नहीं तुसा इंची किलिया सिंह कुड़िया नु मार के मुसलमान दा साडे विच नफरत दी नहीं रखण दी कोशिश कीतिया साडे धर्म नू कमजोर बनाने की कोशिश की पर वाह गुरु की कृपा नाल तुसी ऐ नहीं कर सके ओ समझाने की कोशिश की इन्होंने सारे हिंदुओं जो हूं इन्होंने सानू प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया दवा गुरु की सौ ओदा अंजाम खून की होली के सिवा कुछ नहीं
कानून जाने या पुलिस या हिंदू दोस्ती दा पाकिस्तान नू सलाम आखना जाओ।